फ्रेंड्स, अगर से आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। वेलकम बैक टू द चैनल स्टोरी ट्री। आज जो हम कहानी पढ़ने वाले हैं उस कहानी का नाम टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना है, जिसके लेखक एजे क्रोनिन हैं। कहानी के कैरेक्टर्स, नरेटिव, जो इस कहानी के एक मेन कैरेक्टर हैं, जो अपने साथी कंपेनियन के साथ वेरोना शहर जाते हैं, जहाँ पर उनकी मुलाकात निकोला एंड जेकपो से होती है। निकोला, जेकपो और लूशिया का भाई। जेकपो, निकोला एंड लूशिया का भाई। कंपेनियन, नरेटिव के साथी जिनके साथ नरेटिव वेरोना शहर जाते हैं। लुइकी, नरेटिव का कार ड्राइवर। नर्स, उस हॉस्पिटल की नर्स जहाँ पर लूशिया का मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा था। लूशिया, निकोला एंड जेकपो की एल्डर सिस्टर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी दो लड़कों के बारे में है, निकोला एंड जेकपो, जो दो भाई थे। निकोला वॉज द एल्डर ब्रदर जिसकी एज 13 ईयर्स थी। जेकपो वॉज द यंगर ब्रदर जिसकी एज नियरली 12 ईयर्स थी। कहानी की शुरुआत में नरेटर अपने कंपेनियन के साथ यानी साथी के साथ वेरोना शहर सिटी की ओर गाड़ी से सफ़र कर रहे थे। दो लड़कों ने आउटस्कर्ट ऑफ वेरोना पर उन लोगों को स्टॉप किया। वो वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज सेल कर रहे थे। लुइकी, जो उनका कार ड्राइवर था, नरेटर को उन लड़कों से स्ट्रॉबेरीज ना लेने को कहता है। ड्राइवर कहता है, आपको बेहतर फ्रूट्स वेरोना में मिल जाएंगे। ड्राइवर के मना करने का दूसरा कारण उन लड़कों का शैबी अपीयरेंस था। नरेटर और उनके साथी को उन लड़कों को देख एक अजीब सा लगाव महसूस हुआ। उन लोगों ने उन लड़कों से बिगेस्ट फ्रूट बास्केट परचेस किया और शहर की ओर बढ़ गए। फिर नरेटर वेरोना सिटी के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। अगले सवेरे, नेक्स्ट मॉर्निंग, नरेटर और उनके कंपेनियन ने उन लड़कों को पब्लिक स्क्वायर में फाउंटेन के बिसाइड शू शाइन बॉयज का काम करते हुए देखा। नरेटर और उनके कंपेनियन ने उन लड़कों को फ्यू मोमेंट्स वॉच किया और जब बिजनेस थोड़ा कम हुआ तब नरेटर एंड कंपेनियन वेंट टू द बॉयज। लड़कों ने फ्रेंडली फेसेस के साथ ग्रीट किया। नरेटर ने कहा, आई थॉट यू पिक्ड फ्रूट फॉर अ लिविंग। जवाब में निकोला सीरियस आंसर किया, वी डू मैनी थिंग्स सर, हम विजिटर्स को शहर घुमाते हैं, जूलियट टोम एंड अदर प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट। हाँ ठीक है, नरेटर ने मुस्कुराया और कहा, तुम हमें साथ ले चलो। नरेटर भी उन लड़कों से टूरिस्ट गाइड की सर्विस लेते हैं और फिर एक बार उनके बिहेवियर से अट्रैक्टेड होते हैं। नरेटर उन लड़कों के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, लिखते हैं, जेकोपो के लिप्स पेलर थे यानी वाइटिश और वह लाइवली था, एक स्क्विरल जैसा। लाइवली का मीनिंग है एक्टिव, फुल ऑफ एनर्जी एंड लाइफ। निकोला स्माइल वॉज स्टडी एंड एंगेजिंग और दोनों लड़कों के फेसेस में सीरियसनेस और एयर ऑफ पर्पस थी, जो उनकी छोटी उम्र से बहुत बड़ी और अधिक थी। अगले सप्ताह, वीक, नरेटर एंड कंपेनियन उन लड़कों से बहुत बार मिलते हैं और दोनों लड़के एक्सट्रीमली यूजफुल प्रूव होते हैं। अमेरिकन सिगरेट्स लाना हो या ओपेरा के सीट्स या फिर नेम ऑफ अ गुड रेस्टोरेंट डेट कुड प्रोवाइड गुड रेवोली, रेवोली का मतलब है पास्ता, ये सब काम वह दोनों लड़के बहुत अच्छी तरह करते थे। नरेटर को एहसास हुआ कि वह दो लड़के बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। ड्यूरिंग द समर डेज अंडर द हॉट सन इन लॉन्ग इवनिंग वह शू शाइन करते, फ्रूट सेल करते, न्यूज़पेपर बेचते, टूरिस्ट को शहर घुमाते। दे रैन एरेंड, रैन एरेंड का मतलब है टू गो आउटसाइड टू ब्रिंग समथिंग और टू डू समथिंग। वह मनी अर्न करने के लिए कोई भी और हर काम करने के लिए रेडी होते, लेकिन कोई गलत काम नहीं, अच्छा काम करते पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ। एक रात नरेटर एंड कंपेनियन ने उन लड़कों को देखा। दोनों स्टोन पेवमेंट यानी फुटपाथ पे रेस्ट कर रहे थे बेनिथ द पेल आर्क लाइट्स। नरेटर एंड कंपेनियन उन दोनों के पास जाते हैं। निकोला सीधे होकर बैठता है, सैट अपराइट, अ बंडल ऑफ अनसोल्ड न्यूज़पेपर ले एट हिज फीट। जेकोपो अपने भाई निकोला के शोल्डर से टेका लेकर सो रहा था। नियरली मिडनाइट का वक्त हो गया था। नरेटर ने पूछा, व्हाई आर यू सो लेट निकोला। जवाब में निकोला ने बताया कि वे लोग पडुआ की लास्ट बस का
वेट कर रहे थे ताकि वह न्यूज़पेपर सेल कर सकें। और फिर कुछ और बातचीत के बाद निकोला के वॉइस टोन से नरेटर को पता चल गया कि निकोला डिस्करेजेस फर्दर इंक्वायरी, यानी निकोला नहीं चाहता कि नरेटर उसे कुछ और सवाल पूछें। अगली सुबह जब नरेटर फाउंटेन के पास जाते हैं अपने शू शाइन करवाने के लिए, नरेटर निकोला से कहते हैं, जिस तरह तुम और जैकोपो काम करते हो, तुम लोग अच्छा खासा कमाते होंगे। तुम अपने कपड़ों पे खर्च नहीं करते और अक्सर ब्लैक ब्रेड और फिक्स ही खाते हो। तुम अपने पैसों से क्या करते हो? नरेटर ने पूछा। तुम अमेरिका इमिग्रेट करने के लिए पैसे सेव कर रहे होंगे। जवाब में निकोला कहता है कि उनके कुछ और प्लान्स हैं, लेकिन वह रिवील नहीं करता कि उनके वह प्लान्स क्या हैं। आगे नरेटर उन लड़कों को बताते हैं कि वह मंडे को चले जाएंगे और पूछते हैं, क्या हमारे जाने से पहले मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ? जैकोपो कहता है, क्या आप हमें पोलेटा अपनी कार से छोड़ सकते हैं? हर संडे हम पोलेटा जाते हैं, जो यहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी पे है। अक्सर हम पोलेटा जाने के लिए बाईसाइकिल हायर करते हैं। जैकोपो की बात सुनकर नरेटर कहते हैं कि मैंने अपने ड्राइवर लुइकी को ऑलरेडी संडे की छुट्टी दे दी है, लेकिन मैं खुद तुम लोगों को पोलेटा ले जाऊंगा। निकोला अपने छोटे भाई जैकोपो से थोड़ा नाराज़ और गुस्सा था, क्योंकि उसने नरेटर से मदद ली है। नरेटर संडे आफ्टरनून निकोला एंड जैकोपो के साथ पोलेटा रवाना होते हैं। पोलेटा पहुंचकर निकोला एंड जैकोपो एक लार्ज रेड रूफ्ड विला के अंदर चले जाते हैं। नरेटर को कह के जाते हैं कि वह ज़्यादा देर नहीं करेंगे, सिर्फ 1 आवर में आ जाएंगे। थोड़ी देर बाद नरेटर उस विला के पास जाते हैं और बेल रिंग करते हैं। एक ट्रेन नर्स आती है। नरेटर उन दो लड़कों के बारे में पूछते हैं। नरेटर की बात सुनकर नर्स डोर ओपन करती है और उन्हें अंदर आने देती है। नर्स नरेटर को उन लड़कों के पास ले जाती है। वहाँ पर ग्लास पार्टीशन था। नरेटर ने देखा कि निकोला एंड जैकोपो एक लड़की जिसकी उम्र अप्रॉक्स 20 ईयर्स थी, उसके पास बैठकर उससे बात कर रहे थे। वो लड़के का नाम लुशिया था, जो उनकी बहन थी। नरेटर उन भाइयों और बहन की प्राइवेसी में दखल नहीं देना चाहते थे और इसीलिए वो अंदर उनके पास नहीं जाते। नरेटर को नर्स से पता चलता है कि निकोला एंड जैकोपो के पिता एक विडोवर थे, अ वेल नोन सिंगर एट लास्काला। जंग के शुरुआती हिस्से में मारे गए थे और कुछ समय बाद बॉम्बिंग के कारण उनका घर डिस्ट्रॉयड हो गया था, जिसके बाद उन लोगों ने खुद अपने हाथों से रबल मटेरियल से अपना घर बनाया। उन्हें बहुत सारी दिक्कतों डिफ़िकल्टीज का सामना करना पड़ा, जैसे कि कोल्ड विंटर, स्टारवेशन यानी भूखमरी। निकोला एंड जैकोपो जर्मन की रोलिंग से नफरत करते थे, इसीलिए जब रेसिस्टेंस मूवमेंट शुरू हुआ उन्होंने उसे ज्वाइन किया। निकोला जैकोपो सीक्रेट एजेंट की तरह काम करते। वह अपने शूज में फोर्सेस ऑफ लिबरेशन के लिए मैसेजेस कैरी करते, जिसमें जर्मन ट्रूप्स की मूवमेंट की इंफॉर्मेशन होती, जिसके लिए उन्हें अंधेरे में माउंटेन पास करना पड़ता। उनके जर्मन सोल्जर्स के द्वारा पकड़े जाने और मारे जाने के चांसेस भी अधिक थे। जर्मन्स ने वेरोना पर 3 ईयर्स रूल किया था और जब वॉर ख़त्म हुई, निकोला जैकोपो अपनी सिस्टर के पास लौटे और तब उन्हें पता चलता है कि उनकी सिस्टर बीमार थी। वह ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द स्पाइन से सफ़र कर रही थी, लेकिन निकोला जैकोपो ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी सिस्टर को एक्सपेंसिव हॉस्पिटल में रखा। पिछले 12 मंथ से लुशिया हॉस्पिटल में एडमिट है और हर वीक निकोला एंड जैकोपो मेडिकल ट्रीटमेंट का पेमेंट करते हैं। आगे नर्स ने बताया कि लुशिया की तबीयत बेहतर हो रही है और पूरी उम्मीद है कि एक दिन वह वॉक और सिंग कर पाएगी। नरेटर को निकोला एंड जैकोपो की कहानी डीपली टच करती है। निकोला एंड जैकोपो की डिग्निटी, हॉनेस्टी, सेल्फ रिलायंस, सेल्फलेसनेस, हार्डवर्क इतनी छोटी उम्र में, इतनी डिफ़िकल्टीज में बहुत इम्प्रेस करती है, डीपली टच करती है। डीपली टच का मतलब है फीलिंग ऑफ सैडनेस और सिंपथी। नरेटर हॉस्पिटल के बाहर आ गए
और निकोला एंड जेकपो का वेट करने लगे। जब निकोला एंड जेकपो वापस आ गए तो नरेटर ने उनको कुछ नहीं पूछा, उन्हें वापस शहर ले गए। वह उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ रिलायंस को हर्ट नहीं करना चाहते थे और उन्होंने सोचा कि निकोला एंड जेकोबो इस बात को सीक्रेट रखना पसंद करेंगे, और अगर उन्हें पता चलेगा कि नरेटर को उनके सीक्रेट के बारे में पता चल गया तो वह बहुत दुखी हो जाएंगे। तो यह थी टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना की कहानी, जिसमें हमारे दो जेंटलमैन निकोला एंड जेकोबो थे। आशा करता हूँ कि हम सबको इस कहानी से भी बहुत अच्छी लर्निंग्स मिलेंगी। हम हार्डवर्क करेंगे, डिफ़िकल्टी से हार नहीं मानेंगे और लाइफ के सारे ब्लेसिंग्स के लिए ग्रेटफुल रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, हैप्पी लर्निंग।